हाँ जी, सबसे पहले आपने जो बनानास लिए हैं चार, उसको आपने मैश करना है। किसी भी चीज़ से आप उसे मैश कर सकते हो। और ये जो बनानास है ना, ये पूरे पके होने चाहिए, फिर इसका अच्छा टेस्ट आता है। फिर आपने 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लेना है, और फिर आपने जो बनानास है उसको अच्छी तरह से किसी इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर या फिर किसी हैंड ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह से उसे मैश कर लेना, एक पेस्ट बनाना है आपने। फिर आपने इसमें मैदा ऐड करना है मैश किए हुए बनानास में, और फिर इसे ना अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स करना है। और उसके बाद आप इसमें 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल दें। हाँ जी, वेजिटेबल ऑयल डालने के बाद अब आपने इसको फिर से अच्छी तरह से मैश करना है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर के साथ हो या फिर हैंड ब्लेंडर के साथ, और फिर इसका पेस्ट बनाना है आपने। और फिर आप इसमें चीनी डाल दें। मेरे पास चीनी का पाउडर था तो मैंने वही ऐड की है। और उसके बाद आपने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है, और फिर आपने ऐड करना है वेनिला एक्सट्रैक्ट 1 टेबलस्पून। अब फिर से आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से ब्लेंडर के साथ, और इसका पेस्ट बनाना है आपने। आप देख सकते हो, हाँ जी, जो बैटर बना है वो ज़्यादा पतला नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हो चम्मच के साथ। ये जो हैंड ब्लेंडर होता है ना, अब मैं उसके साथ इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, और उसके बाद इसमें ब्लूबेरीज ऐड कर दूँगी। अब आपने जो बेकिंग ट्रे है उसमें आपने बैटर को ऐड करना है, और आप देख रहे हो कि कप में आपने पूरा फिल नहीं करना ऊपर तक, उसको हाफ से लेके थोड़ा सा ज़्यादा फिल करना है, क्योंकि ये फूलते हैं ना, तो फिर अगर बैटर ज़्यादा होगा तो ये अच्छी तरह से नहीं पकेंगे अंदर से। और सारी आप ट्रे जो है फिल कर दें। और मैं इसके साथ 12 मफिन्स बना रही हूँ। हाँ जी, अब आप इसमें छोटी छोटी सी जो चॉकलेट चिप्स होती हैं उसे ऐड कर दें, और ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐड ही करनी है, इसके बिना भी अच्छे बनते हैं। हाँ जी, मैंने ओवन को पहले ही 350 डिग्रीज पर प्री हीट कर लिया था। अब आप इसे ओवन में ध्यान से रखते हैं, और फिर 25 मिनट्स अराउंड इसको लगते हैं बनने में। और ये देखिए, मेरा जो 25 मिनट्स है वो पूरे हो गए हैं, और मफिन भी अच्छी तरह से फूल गए हैं। और आप इसको चेक कर सकते हो जो कि अच्छी तरह से बने हैं या नहीं। जो टूथपिक होता है उसको आपने इसमें थोड़ा सा डाल के चेक कर लेना है, आपको पता चल जाएगा कि अच्छी तरह से प्रॉपर बने हैं या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल डेली लाइफ हैक्स विद नेहा। थैंक यू।